हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज पढ़ेंगे फिजिक्स में हम क्लास 11th का काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 1। तो आज बच्चों काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो बीतियों को स्किप मत करना बच्चों। बिल्कुल स्टार्ट से इंट्रोडक्शन के साथ हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको अगर इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो काइनेमेटिक्स का कैसा भी क्वेश्चन होगा आगे के जो आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट है, आपको सब क्लियर हो जाएंगे बच्चों। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का बेसिक पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे काइनेमेटिक्स किसका ब्रांच है और ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका किस वर्ड से आया है ना, और काइनेमेटिक्स के अंदर कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से पार्ट है काइनेमेटिक्स का, वो पढ़ना है, और साथ ही साथ हम इसमें कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स पर भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों और तैयार हो जाइए बच्चों पढ़ने के लिए काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 1। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच वनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है बच्चों मोशन का स्टडी। काइनेमेटिक्स बच्चों, इसका मतलब है स्टडी ऑफ मोशन। एक है काइनेमेटिक्स, एक होता है स्टैटिक्स। बच्चों स्टैटिक्स का मतलब होता है सीधा सीधा रेस्ट, ठीक है ना। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, और काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। एक होती है बच्चों डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब भी होता है स्टडी ऑफ मोशन, लेकिन यहां पर दोनों में डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में दोनों में ही डिफरेंस है, और दोनों हमको पढ़ना है, लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया है काइनेमेटिक्स, तो सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा काइनेमेटिक्स की। तो बच्चों जो काइनेमेटिक्स है ये आया हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ है, हैज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड किनेमा। बड़ा ही प्यारा नाम है ना बच्चों, बहुत ही प्यारा नाम है किनेमा। ये ग्रीक वर्ड है किनेमा, और किनेमा से ही बना है काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। और किनेमा का जो मतलब है इंग्लिश में, उसका मतलब होता है मोशन, उसका मतलब होता है मोशन। तो बच्चों काइनेमेटिक्स जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड किनेमा से आया हुआ है, और किनेमा का मतलब होता है मोशन। किनेमा का मतलब मोशन, हमको यहाँ मोशन पढ़ना है, मोशन की स्टडी पढ़नी है। तो जो काइनेमेटिक्स है बच्चों, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैंने फिजिकल वर्ड में आपको फिजिक्स की ब्रांच बताई थी, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स, ऑप्टिक्स है ना, वेव, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडाइनेमिक्स, ये 6 ब्रांच पढ़ाया था। तो मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है कौन सा, काइनेमेटिक्स। ये मैकेनिक्स का ब्रांच है, फिजिक्स के मैकेनिक्स के अंदर आता है ये, ठीक है ना। डायनेमिक्स भी मैकेनिक्स के अंदर आती है, स्टैटिक्स भी मैकेनिक्स के अंदर आती है, ठीक है ना। तो डिस्कस करेंगे हम लोग क्या काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन। अब तो काइनेमेटिक्स किनेमा से आया हुआ है, जिसका मतलब है मोशन। तो यहां से हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं बच्चों, इट इज अ, क्या डेफिनेशन देंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरिंग
बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, इसके मोशन का जो कॉज है, बिना उसके जो मोशन हो रहा है किसी बॉडी का, किसी बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो मोशन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, बिना उसको मानते हुए उसको हटा करके बात करेंगे, वो मोशन के बारे में, सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करना ही क्या होती है, काइनेमेटिक्स होती है। यही है डेफिनेशन इसकी, क्लियर है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग ऑफ कॉज ऑफ इट्स मोशन। यही है काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन, ठीक है ना बच्चों। तो काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन पढ़ना है। अब बात करते कितने पार्ट में बटा हुआ आपके सिलेबस में, तो आपके सिलेबस में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया गया बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और सेकंड है मोशन इन अ प्लेन। एक प्लेन में मोशन होता है वो भी काइनेमेटिक्स में है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये भी काइनेमेटिक्स में है। बच्चों स्ट्रेट लाइन ये मोशन, ये एक एग्जांपल है टाइप्स ऑफ मोशन का, अभी मैं टाइप्स ऑफ मोशन का डिस्कस करूंगा। तो इसको हम लोग कहते हैं 1D मोशन, ये 1D मोशन का एग्जांपल है, और ये मोशन इन प्लेन 2D मोशन का एग्जांपल है बच्चों, 2D मोशन का एग्जांपल है। तो मैं चाहूँगा आप लोग पहले यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इसका डेफिनेशन, इसके पार्ट कैटेगरीज कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे पढ़ना है, तो आज इंट्रोडक्शन पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करें जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों, ये है आपका विदाउट कॉज ऑफ मोशन के स्टडी करना मोशन के बारे में, वही है काइनेमेटिक्स। इसमें दो पार्ट हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। तो आपका जो चैप्टर है एनसीईआरटी में वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के नाम से होगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपको मिलेगा वो होगा मोशन इन अ प्लेन, ठीक है ना। यही है बच्चों, अब मैं इसको इरेज करूंगा, इरेज करेंगे इसको, ओके। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है बच्चों, तो इसे इरेज करते हैं। तो काइनेमेटिक्स आप समझ गए बच्चे, मोशन की स्टडी है, चलिए ठीक है, मोशन हो गया साउंड में। अब बात करते हैं बच्चों, एक वर्ड आता है पोजीशन। पोजीशन को बाद में स्टडी करेंगे, पहले जैसे अपनी अभी हमने डिस्कस किया स्टैटिक्स का और काइनेमेटिक्स का। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों रेस्ट, और स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों रेस्ट, और काइनेमेटिक्स का मतलब होता है बच्चों मोशन, रेस्ट और मोशन। तो बच्चों हम पहले रेस्ट और मोशन क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। तो बच्चों रेस्ट और मोशन का मतलब हम, या जो डेफिनेशन होगी कैसे बताओगे आप, कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे। तो रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में है तो कैसे रेस्ट में है, जरा इसकी मैं बात करता हूं। तो रेस्ट में अगर है बॉडी तो कैसे रेस्ट में है, जैसे मान लो एक ये ऑब्जेक्ट हमारा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कहूं यहां पे मान लो आप खड़े हो, यहां पे आप खड़े हो, थोड़ी सी आर्ट मेरी खराब है ऐसे, ये आप खड़े हो ठीक है ना, ये आप यहां पे आंख है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप ये देख रहे हो कि ये बॉडी का जो पोजीशन है आपसे, क्या पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम स्पेंड हो रहा है, बीत रहा है टाइम, टाइम बीतता चला जा रहा है और ये बॉडी अपने पोजीशन पे बनी हुई है। मतलब जो भी इसके सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि बॉडी रेस्ट में है।
अगर यही बॉडी टाइम के साथ में, इसका कभी पोजीशन यहाँ पॉइंट ओ पर है तो कभी ये बॉडी यहाँ पे है, ऐसे बॉडी पॉइंट पी पर है, कभी यहाँ पॉइंट क्यू पर है, ऐसे, तो इसका जो पोजीशन हो रहा है बार बार चेंज हो रहा है तो कहेंगे बॉडी मोशन में आ गई है। तो जब पोजीशन चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन वर्ड आया कि नहीं आया? तो पोजीशन का मतलब मैं अभी समझाऊंगा, जस्ट मैं अभी बोला था कि पोजीशन बाद में बताऊंगा। तो पहले रेस्ट और मोशन क्या है ये क्लियर कर लीजिए। तो रेस्ट मतलब पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है बॉडी का सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप कहोगे और बॉडी रेस्ट में है, क्लियर। और अगर वो पोजीशन चेंज हो रही है, कभी वो इस पोजीशन पे है, कभी इस पोजीशन पे है, कभी इस पोजीशन में है, तो वी कैन से दैट दैट इज कॉल्ड इन मोशन। वह बॉडी किस में है? मोशन में है, क्लियर है ना। यही है रेस्ट और मोशन। अब बात करते हैं बच्चों पोजीशन क्या होती है। पोजीशन, पोजीशन का मतलब सीधा सीधा बच्चों डिस्टेंस से होता है। किससे होता है? डिस्टेंस से। मतलब अगर पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब डिस्टेंस कवर्ड कर रही है, और पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब डिस्टेंस कवर्ड नहीं कर रही है। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले पोजीशन समझ लेते हैं। मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पॉइंट ओ पर है, सपोज दैट पॉइंट ओ पर है, ठीक है। मान लेते एक बच्चा ए यहां खड़ा हुआ है, एक बॉयज लड़का है, ये 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। एक लड़का बी यहां पे खड़ा हुआ है 4 मीटर की डिस्टेंस पे, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। एक लड़का नॉर्थ की ओर है 5 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, ये नॉर्थ में है, वाई सी है। तो जरा ये बताओ, ये बी, ये ए है, ये बी है, लड़का ईस्ट की ओर है, ये वेस्ट की ओर है, ये नॉर्थ की ओर है, तो ये तीनों लड़के क्या हैं? थ्री बॉयज क्या है यहाँ पे? ये तीनों ऑब्जर्वर हैं। क्या हैं? ऑब्जर्वर हैं। ये तीनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर तीनों ऑब्जर्व करते हैं तो तीनों अपने आप में सही हैं, गलत नहीं होंगे। मतलब इनका जो भी स्टेटमेंट होगा वो अपने आप में सही होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं, ये लड़का ए वाला कह रहा है ये जो ट्री है पेड़, ये ईस्ट में 3 मीटर दूर है। जैसे मान लो ये बॉय है, मैं एक लड़का हूँ, और मैंने कहा ये पेड़ जो है ईस्ट में 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, और उतना उस साइड वाला लड़का जब देखता है तो कहता है वो पेड़ वेस्ट में 4 मीटर डिस्टेंस दूर है, और नॉर्थ में खड़ा लड़का कह रहा है कि ये पेड़ जो है ट्री साउथ में 5 मीटर क्या है दूर है। तो क्या बताइए, ये तीनों स्टेटमेंट क्या आपस में सही हैं? अपने आप में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों सही हैं, तीनों का स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका आप जो पोजीशन चेक कर रहे हो ना अपने रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो आप तीनों लोग क्या हो? आप लोग तीनों क्या है? रेस्पेक्टिव टर्म, आप लोग तीनों क्या है? रेस्पेक्टेड पॉइंट है, एक रेस्पेक्टेड पॉइंट है, और आपके रेस्पेक्ट में इस ट्री को देखा जा रहा है, आपके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। इन लड़कों के रेस्पेक्ट में ये ट्री को देखा जा रहा है, तीनों के रेस्पेक्ट में ये ट्री अपने आप में सही है। इससे जो डिस्टेंस है ना, तो कहेंगे इसकी पोजीशन यहाँ से 3 मीटर है, इसकी पोजीशन 4 मीटर है, और इसकी पोजीशन 5 मीटर है। यही है पोजीशन का मतलब। तो किसी एक पर्टिकुलर रेस्पेक्टेड पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, क्लियर है ना। तो ये डिस्टेंस जो है बच्चों, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? एक पोजीशन है। और रेस्ट और जो मोशन की बात हम करते हैं, ये रेस्ट और मोशन, रेस्ट एंड मोशन,
ये दोनों ही रेस्पेक्टिव टर्म्स हैं. क्या हैं? रेस्पेक्टिव टर्म्स. रेस्ट एंड मोशन आर रेस्पेक्टिव टर्म्स. ये दोनों क्या है? रेस्पेक्टिव टर्म्स है. मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, ये किसी रेस्पेक्टेड रेस्पेक्टेड टर्म्स में ही आते हैं. ये कैसे आएंगे सोचिए जरा सा. इसके लिए आपको जानना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहली बार नाम सुन रहे होंगे आप लोग, या हो सकता है कि आप लोग देखे होंगे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं समझ पा रहे होंगे. रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको समझते हैं. तो जैसे अब रेस्पेक्टिव टर्म का मतलब होता है कि इसे हम लोग इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कोऑर्डिनेट्स का एक सिस्टम है जिसके हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हो. तो हम कह सकते हैं इसका डेफिनेशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, बाय विच वी कैन एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में है, और पोजीशन आपको क्या लग रहा है, पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो कहोगे रेस्ट में है, और पोजीशन चेंज हो रहा है तो कहोगे मोशन में है. यही तो है रेस्ट और मोशन, अभी हमने जस्ट बताया. बोलिए, ये बात फील आ रही है, समझ में आ रही है बच्चों? ध्यान समझिए अच्छे से. कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या कहोगे? पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. और मोशन में है तो क्या कहोगे? पोजीशन चेंज हो रही है. तो पोजीशन का एक्सप्लेन करते हो आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से. तो ये कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है? एक सिस्टम होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अगर आप बच्चों प्लेटफार्म में कभी खड़े होते हैं और प्लेटफार्म में खड़े होकर कोई ट्री को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, तो वो जो पेड़ है आपको दिखाई पड़ता है कि रेस्ट में है, पेड़ एकदम स्ट्रेट रेस्ट में है, ठीक है ना. तो उस कंडीशन में आप क्या हो गए? आप हो गए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लेकिन आप स्टैटिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. कैसे रेफरेंस है आप? स्टैटिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. मतलब आपके रेफरेंस में पेड़ को देखा जा रहा है. इज दैट क्लियर? और जब आप ट्रेन में बैठ करके सफर करते हैं और उसी प्लेटफॉर्म से गुजरते हैं, तो वही पेड़ आपको मोशन में दिखाई पड़ता है. लगता है कि वो देखो पेड़ भागा चला जा रहा है, बड़ी तेजी से पेड़ भाग रहा है, ये वाला पेड़ भागा जा रहा है, वो खंबा भागा जा रहा है बड़ी तेजी से, ऐसा लगता है ना. ऐसा इसीलिए होता है कि आप क्या हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो. तो उस कंडीशन में आप क्या होगे? मूविंग फ्रेम रेफरेंस रहेंगे. और जब स्टैंडिंग पोजिशन में रहेंगे तो रेस्ट वाले आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएंगे. तो आपके रेफरेंस में उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है. क्लियर है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही है. ये दो टाइप्स में हो सकता है, एक रेस्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक मोशन वाला मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है. इसको आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा. क्लियर है इतनी बात? ये बात बच्चों समझ में आई? तो इसको भी आप लोग डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो. बिल्कुल इंट्रोडक्शन की क्लास है बच्चों, काइनेमेटिक्स यहीं से स्टार्ट होती है. अगर ये चीज अगर आपको माइंड में बैठ रहा है तो काइनेमेटिक्स का एक एक प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. तो पहले इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए. पोजीशन का मतलब डिस्टेंस, और किसी न किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेक करते हैं, ठीक है. जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिया, इरेज करते हैं. तो
तो ये है आपका रेस्ट और मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चों बात करेंगे जो मोशन होता है, रेस्ट की कहानी तो पढ़नी नहीं है बच्चों, रेस्ट है तो क्या मतलब है, हमें जो पढ़ना है आप इस चैप्टर में वो मोशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोशन मतलब जिसका पोजीशन चेंज हो रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उसका क्या चेंज हो रहा हो, पोजीशन। टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा हो तो वो मोशन है। तो इस चैप्टर में आपको टोटली मोशन पढ़ना है, और आपका जो पहला पार्ट है बच्चों मोशन इन वन डाइमेंशनल है, मतलब वन डाइमेंशनल मोशन या मोशन इन वन डाइमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस नाम से आपका चैप्टर है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन ये कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन ये जानना बहुत ज़रूरी बच्चों। टाइप्स ऑफ मोशन बच्चों थ्री टाइप्स के मोशन हैं आपको देखने को मिलेंगे, वन डाइमेंशनल मोशन, ठीक है। सेकंड है टू डाइमेंशनल, नोट भी करते चलिए, डाइमेंशनल मोशन। थर्ड आपका बच्चों है थ्री डाइमेंशनल मोशन, ठीक है। यही थ्री टाइप्स के बच्चों मोशन होते हैं, वन डाइमेंशनल, टू डाइमेंशनल और थ्री डाइमेंशनल। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में वन डी मोशन, वन डी मोशन इसको कहते हैं बच्चों शॉर्टकट में, टू डी मोशन इसको शॉर्टकट में कहते हैं, थ्री डी मोशन पिक्चर है ना, थ्री डी मोशन पिक्चर सुनते हैं ना आप लोग। तो वन डी मोशन, टू डी मोशन, थ्री डी मोशन। तो बच्चों बात करेंगे वन डी क्या होता है, टू डी क्या होता है, थ्री डी क्या होता है। वन डी का मतलब होता है ओनली वन डाइमेंशनल, एक डायमेंशन हो, मतलब आपके पास फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस बनाए जाते हैं वो थ्री एक्सिस के बनते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। देखो ये जो हमारा बोर्ड है ये भी एक प्लेन है, तो प्लेन में दो एक्सिस आपको मिलेंगे, कितने, दो, एक एक्सिस ये बना देंगे और एक एक्सिस ऐसे ले लेंगे, तो दो एक्सिस हो गए तो 2D हो गया। अगर एक एक्सिस हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो 3D हो जाएगा, और कोई इसमें कोऑर्डिनेट नहीं बन पाएगा, तो थ्री कोऑर्डिनेट बनते हैं, इसलिए मैक्सिमम 3D मोशन तक ही आपके सिलेबस में बनाया गया है। चलिए 1D मोशन की बात करते हैं, तो इसके लिए ओनली वन एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, किसी बॉडी के पोजीशन को टाइम के साथ, वैसे कोई बॉडी मूव कर रही है कि स्ट्रेट लाइन है, सपोज गैट कि एक कीड़ा ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे एक कीड़ा ऐसे चढ़ रहा है दीवार पे ऐसे, तो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा नहीं जा रहा है। अब जरा सोचो क्या ये कोई ना कोई एक्सिस में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो यस सर ये किसी एक एक्सिस में जा रहा है। अगर मैं कहूँ एक कीड़ा ऐसे जा रहा है तो ये भी एक एक्सिस में जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो बच्चों कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, उसे 1D मोशन आंख बंद करके बताना, और वो 1D मोशन तभी होगा क्योंकि उस वो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग ही ट्रेवल करेगा, मतलब ये जा रहा है तो एक एक्सिस में, ये जा रहा है तो एक एक्सिस में, या इसको एक्स मानिए या इसको वाई मानिए, अगर ऐसे जा रहा है तो जेड मानेंगे, है ना। तो किसी एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़े तो 1D मोशन, तो ओनली वन एक्सिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जब वन एक्सिस रिक्वायर्ड हो, एक्स और वाई और जेड। इसका एग्जांपल है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मोशन। सेकंड नंबर बच्चों फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये बच्चों आपका वन डायमेंशन का एग्जांपल है, ठीक है ना, वन डायमेंशन का एग्जांपल है। तो इसके लिए सिर्फ ओनली वन एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लेते हैं ये एक एक्स एक्सिस कोई कीड़ा जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया, पहले यहाँ पहुँचा पी पॉइंट पर, सपोज दैट दिस इज द एक्स वन डिस्टेंस, फिर आगे बढ़ते यहाँ तक पहुँचा क्यू तक,
अब डिस्टेंस कवर्ड किया कितना, एक्स टू डिस्टेंस, इसके लिए टाइम टी वन लगेगा, इसके लिए टाइम टी टू लगेगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। टी वन टाइम पर एक्स वन है, किसी और टाइम पर डिस्टेंस एक्स टू है, तो पोजीशन चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ। तो यहाँ टाइम का जो मेजरमेंट होगा वो इसेंशियल है, बहुत ही कंपल्सरी है काउंटिंग करना। तो टाइम का मेजरमेंट कंपल्सरी है वन डायमेंशन मोशन में, क्लियर है, और टू डी में भी कंपल्सरी होगा, क्लियर। तो टू डी क्या होती है बच्चों, ओनली टू एक्सेस की रिक्वायरमेंट हो, ओनली टू एक्सेस आर रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड, एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स। अभी बच्चों सब दिमाग में बात रखिए, दिमाग में याद करते रहिए कि दो एक्सिस है तो टू डी मोशन। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं क्या, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, जिग जैग पाथ पर मोशन हो रहा हो, जिग जैग पाथ पे ऐसे ऐसे, वो क्या है, टू डी मोशन है। दूसरा पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक मोशन, ये भी क्या है, टू डी मोशन है ना। तो इसके लिए हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये एक्स एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। जैसे मान लो जिगजैग पाथ हमने किया ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये रेस्पेक्टेड पॉइंट है ओ। मैं कहूँ इस समय इस पॉइंट की मैं बात करूँ पी की, तो यहाँ से वाई डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड किया है और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड किया है। मैं इसे एक्स वन कह दूँ यहाँ पर और इसे कह दूँ वाई वन, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा इसका, एक्स वन कामा वाई वन। इस पॉइंट की बात करूँ क्यू की, तो ये डिस्टेंस कुछ और होगा, अब ये डिस्टेंस कुछ और होगा एक्स टू, ये हो गया वाई टू, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा एक्स टू कामा वाई टू। क्लियर है बच्चों, मतलब कि कोई बॉडी अगर ऐसे ऐसे ट्रेवल कर, देखो ऐसे ऐसे करते हुए जा रहा है, मतलब आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में चल रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, दोनों में डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब कोई बॉडी दोनों एक्सिस में एक साथ एक टाइम पर डिस्टेंस कवर करे, अब डिस्टेंस कम ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल करे बस, तो कहेंगे ये 2D मोशन कर रहा है। और जब तीनों एक्सिस में करेगा तब 3D मोशन हो जाएगा। तो इसके लिए 3 एक्सिस आर रिक्वायर्ड, 3 एक्सिस एक्स वाई जेड आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इसके लिए एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बच्चों, अ काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग इन अ विंडी डे, विंडी डे में कोई फ्लाइट, सॉरी काइट फ्लाइंग कर रही, उड़ रही है, मतलब विंडी डे में आप लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं ना बच्चों। तो पतंग का जो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं ये होता है, क्या है, थ्री एक्सिस, एक एट एनी स्टैंड पर 3 एक्सिस रिक्वायरमेंट होती है और तीनों एक्सिस में डिस्टेंस कवर करता है पतंग। ऐसे ही किसी स्पेस में एरोप्लेन का मोशन 3D मोशन होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मोशन ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन इन स्पेस, स्पेस में एरोप्लेन का जो मोशन होता है बच्चों वो भी 3D मोशन होता है, क्लियर है। तो 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, और आपको इस चैप्टर में अभी पढ़ना है 1D मोशन। 2D पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन में, जो हमने भी जस्ट काइनेमेटिक्स के जो पार्ट बताए हैं बच्चों, पार्ट एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन 2D मोशन है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है, 1D मोशन, 1-डाइमेंशनल मोशन है, और यही पढ़ना है आपके सिलेबस में है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करें बच्चों इसके बारे में। नोट कर लिया, ओके। तो ये है 1D मोशन। अब बात करते हैं बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया है।
तो बात करेंगे बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास या उसी को हम लोग पार्टिकल भी कहते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट या कहा जाए आपसे पॉइंट मास या पार्टिकल, तीनों का मतलब, तीनों का सेंस एक ही है बच्चों। तो हेडिंग लगा दीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास और पार्टिकल। मतलब बच्चों किसी भी चीज को आप लोग क्या कह सकते हो, पार्टिकल कह सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो, पॉइंट मास कह सकते हो। कब? उसकी कंडीशन है, जब वो बॉडी का जो साइज है, अगर बॉडी मोशन कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, मोशन में है, चाहे वो 2D हो चाहे 1D मोशन हो, मोशन में है और डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, कुछ डिस्टेंस पर है और डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, अगर वो डिस्टेंस उसकी साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, मैं कह सकता हूँ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल एज कंपेयर ऑफ, एज कंपेयर इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, देन इट इज कॉल्ड टू बी, इट इज कॉल्ड टू बी, टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास और पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? आप कह सकते हो मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ऑल प्लैनेट्स आप ट्रीट कर सकते हो एज अ पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास या पार्टिकल जैसा ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि सन से काफी डिस्टेंस है इनकी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है एज अ कंपेयर टू साइज ऑफ अर्थ और अदर प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक एज अ ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक कार जो है ट्रेवल कर रही करीब मान चलो कि 10 किलोमीटर, तो कार की साइज और 10 किलोमीटर डिस्टेंस कंपेयर कराइए तो कार की साइज क्या है, नेग्लिजिबल है। तो वी कैन से दैट कार इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास या पार्टिकल बिहेव कर सकता है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी कि पार्टिकल बहुत छोटा है तभी पार्टिकल माना जाएगा, वो पार्टिकल ठीक है, कोई बॉडी पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री कहती है। बट यहाँ जो फिजिक्स का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है, पार्टिकल का मतलब यही होता है, उसका साइज नेग्लिजिबल हो, अगर वो जितना डिस्टेंस कवर्ड कर रही है, कवर्ड की है उसके कंपेयर में। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, नोट कर लिया इसको। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो आज डिस्कस करते हैं और इसी पर ये वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्पीड और वेलोसिटी पर होगा। तो उससे पहले हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना ज़रूरी होता है बच्चों। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बच्चों दोनों ही इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का लेंथ होता है। ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस क्या है, इट इज एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस होती है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, ये क्या है, एक डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल
पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों, वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर होती है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इसमें डायरेक्शन लेते हैं तो स्केलर है, ये वेक्टर है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चों, ये क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है, तीनों हो सकता है बच्चों, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, क्लियर है। दोनों की एसआई जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर, क्लियर है। जैसे आपसे कहा जाए कि एक बॉय है अपने घर से चलता है 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर और चौराहा आने पर नॉर्थ की ओर टर्न हो जाता है 4 किलोमीटर, तो कोई पूछे डिस्टेंस कितना होगा, तो कहोगे डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ 3 प्लस 4 7 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या हो जाएगा, ये है इनिशियल और ये है फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल फाइनल, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस दिखाई पड़ रहा है आपको, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इससे, तो आएगा ये 5 किलोमीटर, क्लियर है बच्चों। तो यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है ऑलवेज, लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, अगर बॉडी रेस्ट में है तो जीरो हो सकती है डिस्टेंस, लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, जीरो नहीं होगा। और मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। कैसे? मान लो मूविंग ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर में पाथ पे मूव कर रही है ना, यहाँ से चली बॉडी, यहाँ पे आई वापस, यहाँ पे फिर इनिशियल वन साइकिल कंप्लीट किया, आर रेडियस का है सर्कुलर पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे वन सर्कल में वन रिवोल्यूशन में। कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कहोगे जीरो। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr, इसका सरकमफेरेंस बताओगे, क्लियर है। वन रिवोल्यूशन में कोई पूछे डिस्टेंस कितना होगा सर्कुलर पाथ में, तो डिस्टेंस होगा उसका सरकमफेरेंस 2πr, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, क्योंकि जहां से चला वहीं पर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव किस केस में होगा, जब एक डायरेक्शन में जा रहा हो और रिटर्न वापस आ रहा है, यहां पर रुक गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वहां से यहां तक, नेगेटिव हो जाएगा वो, क्लियर है। तो यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ रखा है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम इस स्पीड में ले चलते हुए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो काइनेमेटिक्स का ये इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने सीख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका बढ़िया सा टॉपिक, जो कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, उस पर पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 2। तब तक पढ़ते रहें और इसको नोट्स बना लीजिए अपने से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।